Sghaint Singh, आप आज कहाँ जा रहे हैं? आज गुड़िया आपा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, उनकी कैंटीन में काफी अच्छा सामान बनता है, तो आप दोनों वहाँ चलेंगे। एक राज की बात और भी है। हाँ? नहीं बताते? बताओ ना। नहीं बताते? बताओ। हाँ। आगे से शूट पे तंग तो नहीं करेगी? कट जल्दी कर दिया करेगी? कर दूंगी। हाँ, फिर सुना देते हैं। उस यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है अपना जो हेडमास्टर पापा वो आ रहा है। वाह। हाँ, डीन बन के आ रहा है। ये बात तो आपा पहले उसका मायना कराते हैं, कैसे वहाँ गुड्डे गुड्डियाँ रहते हैं, है ना। चले फिर आपा। चलो चलो। और इन सबको भी लेके चलते हैं, आप सबको भी हम लोग यूनिवर्सिटी की कंटीन में लेके जा रहे हैं। चले, आ जा गुड्डी। तो क्या आई हाई की बच्ची, आ जा। वो बात नहीं गुड्डी, ये जितने मर्जी ऊपर नीचे करती रहे, करेलों में जो मजा था ना, ये झाड़ू से भी मजा नहीं आया। क्यों? मुझे तो तुमने लट्टू बना रखे है। हाँ जी, वो तो है। और ये जो तुम्हारे डोले, इतने सुंदर मैंने किसी के नहीं देखे आज तक। ऐसे ये कैसे कर लेते हो इतना? ऐसा है ना, खेती का काम धंधा खरीदा है, बहुत सारा काम करते रहते हैं, तो अपने आप ही बन गए, नेचुरल है। अच्छा, ये नया लुक है, ये नहीं देखते ये कैसे? हाँ, जैसे ये ये तो और तेरा लुक कमाल का है यार, है ना, गजब का है। चारों तरफ खेती बाड़ी है, मुंह के आसपास कुछ भी नहीं। बस आप आ गए, अब आके मन लगाए। अच्छा, बुरा हाल हो रखा है यूनिवर्सिटी में जी। और इसने छोड़ दिया वो? ओ तो आप यहाँ पढ़ने लग गए? पढ़ने लग गए, लेकिन परेशान है। नहीं, परेशान लगा, ढाबा है कहीं, खाना खा रहे नहीं, यूनिवर्सिटी कैंटीन है जी। हाँ, वो पढ़ लिया था वैसे तो। बाकी आप आए वो मन लगा है, पूरा हाल हो रखे दोस्त यहाँ। बिल्कुल दिल नहीं लगता था ये गंदे गंदे बच्चों के साथ। आज अच्छा? तो देख के ऐसे बाहर आ गई जैसे। मेरी सुन ले, बुरी हाल तो रखी है यहाँ पे। हिस्ट्री वाले लेक्चरर के नाम उसका शर्मा जी। हाँ। मेरे को पूछने लग गए भाई ताजमहल कहाँ है। अब हमें पता हो तो बताए, मगर जी नहीं पता, क्योंकि बेंच पे खड़े हो जा। बेंच पे खड़ा हो गया, मैं बोला जी दिखा नहीं, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे। अरे तू आसान सा काम करना था ना, बुक खोल के फोटो दिखाता ये रहा। मैं जी थोनू कितने देखा। हाँ, कहाँ? वो ये तो वो ही है जिन्होंने छित्र पोला करके नशा छुड़ाया था। नहीं, तू तब से उड़ने लगा है, सारी दुनिया उड़ने लगी, तू उड़ा नहीं अभी? ओ मैं तो जी बहुत कोशिश कर रहा हूँ जी उड़ने की। हाँ, मेरी बाजुओं की गरारी ना जी बिल्कुल खत्म हो गई जी, उनको इलाज कर दो बस, मेरे को बना दो जी, कनाडा जाना है जी। कनाडा जाना है? और जी पक्की गल है जी। चाहे करी साइकिल से रस्सी बांध के जंड दे बांध ली। अच्छा, और साइकिल के ऊपर चढ़ जाना, पैडल मारते रहना, हवा में हो गया। ओ मुंडे हो तो यार मेरे को भी मंगा दो कोई सोडा बट्टा। ऑर्डर नहीं है, शहर है, यूनिवर्सिटी है, हाथ खड़ा करना भाई, ये देसी काम नहीं है। हाथ खड़ा करके बोल वेटर। ओ हेलो बन वेटर, ये बेइज्जती कराएगा हमारी। हाँ। पहले कोई नहीं बैठता हमारे साथ। ओ तू रहने दे ओए, ओ जितनी आइटमें मैंने खाधी है ना, ओ तूने तो खाई नहीं। आलू दी टिक्की, पतासे, बूंदी बदाना, ओ आ चीजा दा मैं नित खाना, साडे तड़के हथने आती है घर पे, बड़ा या अनपढ़ है। लिख बन सोडा बत्ता। छोटा बत्ता है भाई साहब, कहना चाह रहे हैं आपको। ठीक है ठीक है, ले आएगा, ये ले आएगा, समझ गया। ओ जी गांव से है ना, इसको पता नहीं होगा। हां जी हां जी, से है वो। हां से तो ये बच्चे बहुत है यार, बड़े अपने आप में ये चोंच लड़ा रहे हैं। ओ सुनो भाई सारे, काम ये है। हेलो सुनो, देखो जी हमारे पास आया हमारा जिगरी, हमारा दिलदार यार स्कैंड से सिद्धू, और ये है जी हमारे हेडमास्टर शक्ति सिंह सिसोदिया जी की बेटी, जिन्होंने हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाया, हमारा मतलब डायरेक्शन दिए जी आपने हमारे को।
देखो कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई तंग करता है, कुछ भी जो दिमाग में सवाल आता है इधर ले आओ, आपको सोल्यूशन मिनटों में फटाफट हाथ खड़े कर दो, आपको सोल्यूशन ऐसे खोलते झग सी निकलती है चल चल काला काला हवोई वोई बस जो कह रहा है तू सोना सोना मलि सोना इनू जे मुंह च पा लेंगे ना फिर पिछो नींबू चप ली झग इतो भी निकलू ते वैसे गुड्डी तू पहला भी काफी है डोले बनते जिन्होंने बनाया उन्होंने डोलिया की थां डले लगे होंगे घर का घ्यो खाओ गऊ माता की जय पहले तो बोलना सीखो चलो गुड्डी अब आपके यार दोस्तों की बात कर लेते हैं चलो चलते हैं सारे आपके पास सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है सारी मतलब सारी ए टू जेड पूरी अच्छा फिर ना मुझे आपसे एक प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए आपको पता है क्या हुआ हमारी मैम ने हम सबको क्लास से बाहर निकाल दिया बिना किसी गलती के कोई तो बात होगी सिंपल है हमसे पूछा गया परिभाषा बताओ सही तो बताई थी हमने मैंने पता क्या बोला पद एक जहरीली गैस होती है जिससे सारा वातावरण मुश्का मुश्का हो जाता है मैंने तो प्रकार भी बताए थे अच्छा। मैंने कभी तीन तरह का होता है एक होता है पू एक होता है पू शर्मीला और एक होता है फुस जिसकी आवाज ही नहीं आती हमने कुछ गलत बताया था बताओ आप ही बताओ आपको बताने की जरूरत नहीं थी आप मैडम के सामने धड़ुका मार देते मैडम अपने आप में अंडरस्टैंड हो जाती क्योंकि बताने में वो मजा नहीं आता जो बजाने में आता है जो सुनाने में आता है हां और साथ में ऐसा ना ये मास्टर जी के पास रहती है और मास्टर जी को इतने नुस्खे आते हैं चेपी रखता हुआ कुछ ना कुछ है ये लगा रहती है सही है सही है हाँ जी वाह हो गया आपका गोटा पूरा अच्छा चलो चलो आ जाओ फिर ट्रिपलेस आज हमारे ग्रुप में डिस्कशन चल रही है सुबह एक न्यूज आई थी अरे नन्नी हमारे बीच ट्रिपलेस है और तुम हमेशा की तरह फोन में घुसी हुई हो क्यों अपना भूल गई क्या अरे मैं बताता हूँ कल क्या हुआ ट्रिपल एस कल की बात है इसकी मम्मी ने इसको बोला कि बेटा जाओ किचन से एक छोटे वाली कटोरी लेके आओ तो बोली ठीक है मम्मा मैं अभी लेके आती हूँ नहीं नहीं फिर आगे की बात मैं बताता हूँ क्या हुआ ये फोन में बिजी एकदम फुल टू बिजी किचन में गई आवाज दी मम्मा मुझे कटोरी दिख नहीं रही है मम्मा कहती बेटा चूल्हा दिख रहा है कहती हाँ दिख रहा है कहती अपने फोन को उसमें डाल जला और सब कुछ दिखने लगा बात तो सही ट्रिपल एस बस हर चीज का सोल्यूशन है ये फोन के बिना भी नहीं चलता और घर पे सबसे गालियाँ बढ़ती हैं प्लीज इसके फोन भी चाहिए और गालियाँ भी नहीं चाहिए तो गुड्डी फिर सन्यास ले लो क्योंकि वहाँ फोन ले जाना गालियाँ पड़ेंगी नहीं फोन सुनते रहोगे और सन्यासी को कोई माथे टेकता चाहे वो ऐसे बैठा रहे तो भी नहीं पता चलता हमारे घर ये बात ठीक है इसकी एक कोई बात थी बीच में तेरा किस्सा था कुछ प्लस हमारे में बहुत मेजर की बात की एक न्यूज साइलेंट हुई कि हमारे एशिया में एक देश है ताइवान
से कल उन्होंने समलैंगिकता को अप्रूव कर दिया है, मतलब समलैंगिकता शादी जिसे कहते हैं वो शादी अप्रूव कर दी है, तो हम ये डिस्कशन करते हैं क्या इंडिया में हमारे यूथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ही बुरी बात है, समलैंगिकता अगर लागू हो जाती है तो समझ लो आदमी का विनाश होने वाला है, बच्चे तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी जो टेस्ट ट्यूब से पैदा होंगे वो फिर एटम परमाणु को कहाँ झेलेंगे वो पाइप के बंदे पाइप तक ही सीमित रहेंगे। तो इसलिए हमें लगता है अपने देश में तो बिल्कुल लागू ना करो, ताकि बाकी पाइप वालों को काबू में करना आसान हो जाएगा। हम जैसे पैदा हो रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। मूवी तो बहुत सुपर्ब है, मजा आ गया देख के। तो उसने दिखाया आपने कि लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है, तो ऐसा ही मैं भी मानती हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ लड़कों से। लड़के तो मारते हैं 2 दिन का बंक, 4 दिन का, 5 दिन का, हाँ ये भी कोई बात है। मैं लड़की होके 1 नहीं 10 नहीं 15 नहीं पूरे महीने लड़कों से ज्यादा। वैसे तो मैम से पूछे तो ज्यादा अच्छा है। प्लीज मुझे आप नेक्स्ट मूव में हीरोइन बना लो। अगर तू कॉलेज में मारती है महीने महीने का बंक और अगर वहां ना आई तो फिर हो जाएगी सेट पे तो आप किसकी बारी है भाई, आपने पूछना है। आते हम अभी इसकी शक्ल तो सही है पर इसके ना लक्षण मारे थोड़े से फिर तो सभा से ले सकते हैं ना। नहीं ऐसा करो बेटी, इसको सरपंच का ताया बना देते नहीं जैसे लगता है जिससे स्कैंड सिंह का ज्यादा वाह पड़ता है ना वो बना देते, सुधर भी जाएगा और एक मंथ दो का सही बात। और कोई बात भाई? एक जी डायरेक्टर साहब से पूछना था जी, डायरेक्शन तो आप करते हो, ये बताओ ये समोसे के अंदर आलू कैसे जाते हैं, इसकी डायरेक्शन बताओ। मैं डायरेक्शन तो करती हूँ लेकिन मैंने हलवाई के काम कभी नहीं किया, बाकी स्कैंड सिंह की राय ले लेते हैं। हमारी ले लेनी तो गुड्डे, ऐसी बात है जैसे तू ना अपनी मम्मी के पेट में गया था वैसे हलवा गया, थोड़ा सा फर्क होता है। और कोई है भी? देखो भाई स्कैन सिंह जी है, हेलो करो भाई सर। हेलो जी, हेलो। देखो स्कैन सिंह जी, बात ऐसे है कि हम है कॉलेज के बच्चे। अच्छा, हमने सोचा कि नर्सरी के। पहली बात, जब पेपर चल के आते हैं आपके पास तो आप रट्टा क्यों लगाते हो, जब पेपर ही आके चल गए आप कह रहे हो हमारे पेपर चल रहे हैं। जब पेपर चल रहे हैं तो उनको किताब दिखा दिया करो, चल के पेपर आ गया किताब दिखाई आप बीच में से निकल गए, दोनों आपस में एक दूसरे को आंखों में आके डाली पेपर पूरा हो गया चल भाई। बाकी अगर आप दिमाग बनाना चाहते हो तो बादाम की गिरियाँ खाया करो, है शाम को भगोली सुबह मक्खन मिश्री में ऐसे थूक लगाओ जैसे आपके थप्पड़ पड़ रहे हैं वैसे उस पर घोटना घटाओ, जब चटनी पड़ जाए चढ़ा जाओ दिमाग काम करेगा आपका। है मेरा तो पूरा सिस्टम ही हिल गया है। बचपन में जब छोटी थी या तो मैं चिपटी से डरती थी या भूत से डरती थी, पर जब से मैंने सिर कटे भूत की बात सुनी है मैं रात में क्या अब तो दिन में भी जाने में डर लगता है। उसका कोई सलूशन बता दो। इसकी बात ये है गुडी, आपको जाने में डर लगता है, बाहर ना जाना करके अंदर जाओगे तो कोई डर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर बाहर जाओगे, बाहर बैठोगे ना जैसे शेर सिंह बैठा था तो सिरकटे वाला भूत आता है, तो आपको जाने में डर लगता है तो घर में जाना। दूसरी बात, आपका सिस्टम सबका हिला हुआ है, अच्छी बात है क्योंकि हिलने से ही वो छोटे वाला सामान आता है, लगे रहो। हाँ बोलो, क्या समस्या है भाई आपकी?
क्या है, पढ़ते पढ़ते इतना मोटा चश्मा लग गया है। सामने से काली भैंस आ रही थी, पूंछ ही लगती हुई। मुझे लगा कहीं मेरी मम्मी आ रही है क्योंकि उसकी चोटी इतनी लंबी है। अच्छा तूने अपनी मम्मी को भैंस बोला, मैं बताऊंगा तेरी मम्मी को घर जाकर, वो भी सब पड़ोसनों के सामने। मजा आएगा, इसकी लड़ाई होएगी, मजा आएगा। आप ही बता दीजिए मुझे, ऐसी नजर बना दो मम्मी मम्मी देखे भैंस भैंस। सच्ची कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हो गई धुलाई। गुड्डी तेरा चश्मा तो ठीक है ना? चश्मा नहीं ठीक तो और बाकी गुड्डी ऐसा ना, पता नहीं तू क्या कर रही है, भैंस भैंस होती है, माँ माँ होती है। अब बाकी ध्यान रखा कर, तेरी माँ का रंग काला तो नहीं, भूरा तो नहीं, है टपखड़पा तो नहीं, तो फिर कमाल होगी। माँ और भैंस में तो बहुत फर्क है, भैंस तो तीन कलर की होती है, काली होती है, भूरी होती है, टपखड़पी होती है। माँ या तो काली होगी या सफेद होगी, या तो चढ़ा। तो आप ना थोड़ा सा ध्यान करा करो, अब आपने थुक लगा लिया चश्मे से सही दिखेगा। ट्रिपल्स हमारा जो इंग्लिश का टीचर है ना, वो बहुत पीपीपी करता है भाई। ये पीपीपी क्या है? पदर पदर पै पै पदर पदर पै पै पदर पदर पै पै पदर पदर। ट्रिपल्स यार वो तो जगाड़ ला, कोई उन्होंने तो बहुत प्रदूषण कर रखे है। असली बात ये है, कमरे में पढ़ना जरूरी है, वो ग्राउंड में बैठ के पढ़ा करो। चलो आपने कमरे में भी पढ़ना है तो ऐसे करना, आपकी बिजली फिटिंग हुई है वहाँ? हाँ जी पूरी है। तो उस फिटिंग के साथ एक पाइप फिट कर लो, ठीक है? पाइप दीवार के साथ 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 साथ, फिर नीचे नीचे नीचे। ये आपके टीचर की चेयर, चेयर के नीचे। और छोटा सा एग्जास्ट लगा देना, सारा प्रदूषण बाहर। सही है ना? हाँ स्कैंट सिंह जब सेट पे आपकी बात नहीं मानता तो आप क्या करते हो? मैं जब स्कैंट सिंह सिद्धू मेरी बात नहीं मानता था तो मैं एक तकनीक अपनाती। क्या दी? मैंने तो बताई किसी को। बता दो, बता दो, बता दो, बता दे गुड्डी। पहली मैं ऐसे करती थी कि भी मैं कट ही नहीं बोलती थी, डांस चल रहा है तो चल रहा है। चल रहा है वो तो हेडमास्टर का पलाओ, मौके पे आके कट बोल दिया। हम होली का सॉन्ग कर रहे थे, सॉन्ग कर रहे थे, गुड्डी कहती डांस करो, स्कैंट जो हजें डांस कर लेते हैं। डांस करते रहे, माँ की तीन ने कट नहीं बोला। हम डांस करते करते देख रहे किधर है। वो तो आज पता लगा है कि ये इसके ये इसलिए करती थी तो गुड्डी कमाल की थू है। आप पूछो यार ट्रिपल्स, मैंने सुना है आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। तो मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं इस बंदे को बहुत लाइक करती हूँ, मैं इसके सारे काम करती हूँ, सारे नोट्स लिखती हूँ, इसकी प्रॉक्सी तक करवा दी मैंने, पर ये है कि इनमें से इम्प्रेस ही नहीं होता। आप बताओ इसका क्या सलूशन है भाई? तो ब्रेस हो जा, बुढ़ी तेरे को कपड़े ब्रेस करने आते हैं? आते हैं वो ब्रेस इसमें भी चला देना, या तो प्रेस हो जाएगा या फिर इम्प्रेस हो जाएगा। और भी कहना कोई? हाँ जी, इसका उल्टा ही मेरे साथ है। अच्छा, ये जो लड़की है इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, जितना मैं इसके पीछे पीछे भागता हूँ ये उससे ज्यादा मेरे से दूर भागती है। और तो और इसके लिए तो मैंने अपनी पहले वाली गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया है, फिर भी ये मुझे भाव नहीं देती। अच्छा सही है, नहीं देना। लगड़ी तू भाव ऐसा देना, 10 जूते मारना गिनना एक, क्योंकि ये खेला खाया बंदा है। इसने अभी बोला कि इसके पहले भी गर्लफ्रेंड थी। सही है। और कपड़े तो सारे बदल दिया, कभी गर्लफ्रेंड भी बदलते हैं यार। तेरे को जर्मनी आई, अब तेरे को भाव और दे दिए हैं। भाव इसका ये कहेगी 100 के 2 100 के 2 100 के 2 100 के 2, फसल आके जब मारा ना तेरे तो चिंगाले निकल जाएंगे बच्चे। आप ना बदलने की सोचना, तेरे पुर्जे ना बदल दिए गुड्डी। सही है ना? हाँ जी, और भी गल चित्रो चित्रो। हाँ दीदी से बात कर। हाँ जी पूछो दीदी, जब जैसे आप फिल्म अपनी मूवी डायरेक्ट कर रहे हो,
शॉर्ट जब शॉर्ट चलता है उसके टाइम जो अपना मूवी में बदरू पंछी है वो पू कर देता है तो क्या रिएक्शन होता है? पूछो मत, कहाँ याद करा दिया। जब वो पू मारता था जो जो मूवी में हाल हुआ वही हाल होता था। बिल्कुल, लेकिन एक गड़बड़ होती थी, क्लोथ वाले को बुलाना पड़ता था उसके कपड़े चेंज करने। और एक और भी बात आती थी, जितने मेकअप हुआ होता था सब पे इतनी इतनी रेता चढ़ जाता था। भाई और किसकी बात है? अच्छा आ रहे आ रहे आपके पास आ रहे हैं। हाँ सुनाओ भी क्या बात है? ट्रिपल एस ये है हमारी क्लास के महाशय, हमेशा डांट खाते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। क्यों? क्या बताऊँ मैं ट्रिपल एस, मेरे साथ तो होते ही ऐसा, सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है ना जो अच्छा वैसे हंसना बुरी बात नहीं पर क्यों हंसता है ये ऐसे? ट्रिपल एस अब कल की बात ले लो, चिंटू वो उल्टे काम करते सारे चिंटू पर फंसता ही है। क्यों? क्योंकि इसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती, इससे बाकी सब बच जाते हैं, ये फंसता है। चिंटू करता क्या है? चिंटू ने क्या किया कल की बात है, हमारा है ना एक टीचर है बिल्कुल गंजा सपाट है। चिंटू ने चौक लेके पटाक से उसकी गाय गंजे की टाटरी पे चौक मारा मेरी। और जो टीचर वो गंजे ने मेरे को धोया पटक पटक। हंसी इसकी रुकी नहीं। वैसे तो हंसना अच्छी बात है पर एक बात है, आप इसको ऐसे करना गुड्डी, शाम को ना गर्म दूध के साथ इसको खोल देना। अगले दिन क्या होगा? जब ये जोर से हंसेगा या तो हंसेगा नहीं, हंस गया पीछे काम हो जाएगा, जब उसको रोकेगा तो हंसेगा नहीं क्योंकि सारी कंसंट्रेट पीछे हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए पता क्या होता है, इसको खोल अगर गर्म दूध के साथ ले लो तो मोकल लूज मोशन लग जाते हैं। तो जैसे इसने अंदर से मुंह खोला नहीं तो ये कंसंट्रेट उधर चली जाएगी, हंसना बंद हो जाएगा। क्या कंसंट्रेशन? और कोई बात हो गई? एक दीदी से क्वेश्चन। हाँ पूछो पूछो बेटी। वो जो डी एंड का यूनिक आइडिया जो डी एंड दिखाता है एंड में, हाँ जो मदर पंच करता है, हाँ वो यूनिक आइडिया कहाँ से आया? जब एंड में बिहाइंड द सीन चल रहे थे तो इतना हंसी वाला माहौल था, तो जब दी एंड की बात आई तो हमने डिस्कशन किया कि भी दी एंड नॉर्मल तो होना नहीं चाहिए, तो नॉर्मल नहीं होगा तो फिर पदर पंच आए। पदर पंच लेके आए दी एंड आपने स्टाइल में। पदर पंच का ये था, आपने देखा होगा होली वाला सॉन्ग? हाँ जी हाँ जी। मारा थप्पड़, हाँ जी। उसने रंग उड़ा दिए। तो हमने कहा जब रंग उड़ा सकता है तो रंग से दी एंड क्यों नहीं बन गया? आओ स्काइंट सिंह जी, हमारी भी समस्या का हल करो। आगे जी आगे, हाँ बोलो। बहुत परेशान है स्काइंट सिंह जी, साड़ियाँ समस्या में जरूर हल दसो। आजकल का यूथ परेशान ही रहता है ये तो पता है। हाँ जी हाँ बोलो। अरे बताओ तो सही, समस्या है क्या? हाँ हमारा एक टीचर है, क्या नाम है उसका? ओ दुकल। अरे तुम तो मत थूक फेंको यहाँ पे। ऐसे ना उन्होंने सच्चा साइन की कर दी। तो क्या है वो जो थुक्कड़ आपका टीचर है उससे आपको क्या परेशानी है? हमें समझ ही नहीं आता, हम जो सब समझते हैं जो पढ़ाई करते हैं हमें ये लगता है कि हम पढ़ कम रहे हैं और थूक ज्यादा खा रहे हैं। और मैं तो फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, लास्ट में बैठने लगी लेकिन थूक से पीछा ही नहीं छूटा। अंदर का थूक है या तेरी लड़की गोली है? इतनी दूर तक जाता है, कमाल हो गई यार। उसका हल पंखा होता ना बड़ा, आपने देखा कभी खेत में? जो नहीं देखा होगा कल के बच्चे वो किसान भाई लगाते हैं, बहुत बड़ा पंखा होता है, तो उसके आगे दाने ऐसे फेंकते हैं उसमें रेता कुंडियाँ जो होती हैं वो उठ जाती हैं। तो आप ऐसे करना, टीचर खड़ा कर लेना, टीचर के पीछे से मोटी पाइप लाना, दोनों टांगों के पीछे से निकाल लेना, ठीक है? पीछे पंखा चला देना, यहाँ ला के पेट पे लगा देना उसके, जब भी थूकेगा छत पे जाएगा। सवाल पैदा नहीं आप पे थूका जाए, और खुद का थूक संभाल लेना।
पढ़ाई की बात भी क्या करें स्कैंट सिंह जी, उसने तो थूक फेंक फेंक के हमारी किताबों के अक्षर ही गायब कर दिए, सफेद हो गए सारे कागज। इसको सही करने के लिए आप ऐसे करना, अपना थूक मिला लेना उसके बीच। जब दो थूक का रिएक्शन प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना, तो अक्षर निकल के बाहर आ जाएंगे डरते। अगला पेज पलटो, देखा गया। अगर होगा नहीं थूक फिसलता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा है जी। तो कोई और बात तो नहीं रहेगी आपकी? एक दीदी से क्वेश्चन है। हाँ जी पूछो। जैसे हमने फिल्म में देखा कि जो छप्पड़ है वहाँ पे, उसका मतलब देखने में जो उसका पानी है वो बहुत चटपटा लग रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी फॉर्मुलेशन क्या है, किस तरीके से बनाया गया है, क्या कुछ उसमें डाला गया है। वैसे मैंने उसे चेक नहीं किया, कैसे नहीं किया मैंने, क्या उसके कैसे चटपटा है या फिर ज्यादा स्पाइसी या फिर मीठा है, मैंने चेक नहीं किया। पता नहीं, रूल तो कुछ रूल पता। उसने कॉम्पिटिशन ऐसे ही जीता उसको चेक कर कर। हमें पता है उसमें, अगर आपको चाहिए ठीक है, आप बाल्टी ले आना ठीक। आपने डेयरी है वहाँ, भैंस का मूत, गाय का मूत, उनका फोस, उसका फोस, फिर मिक्स आप कर लेना, करके मिक्स करके गोलगप्पे में भर के खा जाना। मतलब जो टेस्ट आएगा ये तो क्या इसका पापा भी नहीं भूल पाएगा। और किसी की बात है भाई? अभी इसके बाद चलते हैं। चश्मे में क्या है? ट्रिपल एस, आपकी डोले बहुत जबरदस्त है। अच्छा, डोली और हमने भी बनाने काउ पोर्टेबल। काउ की पोटी से तो नहीं बनते। बाकी अगर लड़कियां डोले बना लेंगी तो फिर शादी कौन करेगा? लड़के डर के भागेंगे क्या? पदड़ पदड़ मैं मैं पदड़ पदड़ मैं ऐसी होती रहेगी, लोग डर लड़के भाग जाएंगे, तो इसलिए डौड़ियाँ छोड़ियाँ बन गया आपकी हैं। अच्छा और कोई गल है? अच्छा ट्रिपल एस ये बताओ, आप इतने क्यूट हो। अच्छा, आपके चीक्स तो ऐसे लगता है जैसे दो रसगुल्ले रखे हो। अच्छा, टपक 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 टपक। अब आपको भी बता, अगर हम रसगुल्ले देखे तो क्या मन करता है? क्या करता है? बस आपको पता है ना। अच्छा, हम क्या करें गुड्डी, ऐसा है ना, ये रसगुल्ले तो जरूर चमक रहे होंगे पर इधर हाथ ना थोड़ा सा। बाकी ऐसा होता है रसगुल्लों की बात आपने सही बताई, अगर आपको कहीं रस टपक 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 तो आप जीभ निकालो 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 निकालो, नहीं ऐसे नीचे को ना करो ना, रस तिल के जाएगा। हाँ नहीं नहीं ऐसे हिलाओ तो पड़ के जाएगा। हाँ सीधा सीधी सीधी रखो जी, ना बात बनी नहीं, सीधी रखो सीधी सीधी। हाँ तू उसके बाद आके आपके फादर कौन सा आपको रेस्ट करने देते होंगे, ये काम वो काम ये काम, फिर भी रात को जब हमने आपको देखा आपका फेस उतना ही चार्मिंग उतना ही ग्लिटरिंग, तो ये फ्रेशनेस कहाँ से आई? टिंग 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 टिंग। तो इसका राज है मास्टर जी, जो मेरे पापा हैं वो बहुत सारे होम रेमेडीज देते हैं, तो वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ, उसकी वजह से मेरा चार्मिंग हो जाता है। टिंग टिंग टिंग। सही बात है, सही बात है। और ये जो है ना मेरा भाई स्कैंट सिंह सिद्धू, ये थूक लगाता रहता है मेरे को। देखो है ना कमाल, थूक में थूक से गुड्डी चमक रही है। अरे भूख लगी है। अच्छा लेते हैं ना ब्रेक। चलो
खाओ, आप भी कुछ खिला के लाते हैं, तो ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। बाय, आप भी खा लो। बाल झड़ रहे हैं, डेंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू साथ साथ और तेल 9x9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। भाई मेरा तो बहुत पेट फुल हो गया। हम फिर आ गए, करते हैं बातें फिर से। गुड्डी का पेट हो गया फुल है, तो पुदीना हरा ले लेना, ठीक है, ठीक हो जाएगा। बैठे बैठे चबा जाना, कर दो, पता चलेगा। सही है, हाँ शुरू करते हैं फिर से। है यूनिवर्सिटी के कैंपस में तमाचड़ा। आओ आओ ट्रिपलस, हमारी इस मोटी का भी हल करो, खा खा के कुप्पा हो जा रही है। क्या करूं ट्रिपलस, मैंने तो अभी सुबह से 2 पिज्जे और 4 ही समोसे खाए हैं, फिर भी मोटी मोटी कहते हैं। घर पे मेरी मम्मी नहीं खाने देती, वो कह रही है मत खा मोटी हो जाएगी मत खा, मैं क्या करूं। ऐसा गुड्डी, बंदा जब मोटा हो जाता ना तो बहुत सारी परेशानी आ जाती है। लोग कई तरह के सरनेम रख देते हैं, फला मोटा, फला हाथी, फला घोड़ा, फला गेंदा गेंदी, मतलब बंदे के तो गेंदा क्या अच्छा लगेगा, अब गुड़िया को कोई गेंदी का कितना बंदा लगेगा। तो इससे अच्छा है आप ना डाइट चार्ट करो, एक मास्टर ही डाइट चार्ट बताते हैं खा के वजन कम करने का, ठीक है। और एक आप ना हिंग पालो, पंजाबी में एक कहावत है, खाने में पालो हिंग कट्टे वांगू रिंग। दूसरे थोड़े साइड पे हो जाना, तो स्मेल स्मेल तो आ ही जाती है भाई क्या। पर ये पक्का है, जो गैस बड़ी होती है ना मोटा ऐसे होता है, तो ऐसे हो जाते साथ के साथ, काफी गैस निकलती है बंदों के अंदर से। ये तो कोई अभी तक प्रयोग नहीं हुआ, वैसे प्रयोग करना चाहिए, बंदे की गैस जब भी निकले वातावरण नीला हो जाए। सोच के देख, इनमें से जो भी मारेगा उसके पीछे नीली तारी होगी, छुपाएगा कैसे। ये जो जितने बैठे ना यहाँ, ये यूनिवर्सिटी वाला यूथ है, ये पता क्या करते हैं, मारते खुद हैं दूसरे को, ओए आज नहीं था। माँ जो होती है उसको तो पालना ही बड़ा आसान, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, आप मर गए सड़ा सड़ा बच्चे हुए ऐसे नहीं बनते। पर जब नीली लाट निकलेगी जैसे गैस वेल्डिंग में निकलती है, तो बंदे का पता चल जाएगा किसने क्या काम किया। अच्छा और भी बात है आपके पास? ट्रिपलस इसकी भी प्रॉब्लम का सलूशन करना। अच्छा, ये जब भी बोलती है तो मुंह के अंदर से सड़े हुए खाने की फुहार निकलती है। क्या हो गया बुड्डी? ट्रिपलस मेरी प्रॉब्लम सबसे यूनिक लग रही है मुझे इस टाइम में। अच्छा, पता क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं कुछ भी खाती हूँ, जैसे मैंने पिज्जा खाया, यहाँ मेरी झेलना मेरी जुबलगी देखना, और मैंने समोसा खाया ये वाटर फंस गया, कितनी बड़ी जान में, कुछ करना पड़ेगा आपको मेरे दांतों का। सब्जी की दुकान लगती है मुझे अपना दांत है जो, और जब कभी किसी से बात करती हूँ तो कई बार उसके मुंह के पीछे नमी चली जाती है। क्या प्लीज इस प्रॉब्लम को प्लीज सॉल्यूशन करो। गुड्डी तेरा तो कमाल की चीज है, तू कर जाया कर, बिल्कुल कुछ नहीं करना, करेगी करे कोई छोटा बच्चा होगा, है छोटे छोटे बच्चे फोन ऐसे किया उनका बेटा चुल्ले दाना। चिड़िया दाना चुगाती है वो अपने मुंह में लेके आती है, जो उनसे चुगा गया मम्मी पापा को कह दे आप ही मत्था मार लो, कह दे बिल्कुल फ्री का है और 36 प्रकार का है। दीदी मुझे आपसे बात करनी है। तो ही पिछला 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 सभी क्लास के टीचर ना मुझे मुर्गा बना देते हैं, और आजकल तो नौबत ऐसी आ गई है कि कुकड़ को अलग से बुलवाते हैं, और मुझे डर लगने लगा है कहीं मुझे अभी ये ना बोल दें कि जा अभी अंडा दे के दिखा। दी अभी आप इस समस्या का मेरा हल बताओ, या मुझे अंडे देने से बचाओ, या अपनी फिल्म में थूक लाके चिपकाओ। ये तो स्कैन से ही दे सकता है जवाब, कि उसको कैसे वो अंडा देगा, अंडा कैसे दे देगा। दे सकता है बच्चे। दो तरह से हो सकता है, मास्टर जी ने तेरे को मुर्गा बना दिया, ठीक है, उसने कहा भी अंडा दे के दिखा, तू पेपर पे ना काटे मार के आ जाना,
मास्टर खुद अंडे देगा तुझे। बाकी अगर खुद देनी है तो घर से ले जाना किसी से मांग के मुर्गी के, ठीक है, यहाँ बेल्ट में उड़ा लेना, जैसे पहलवान ने पैसे उड़ाए थे, आपने फिल्म में देखा होगा। थोड़ा जमाश के भी अंडा दे, ऐसे किया पजामे से नीचे, दोनों तरीके अपना दे, जो मर्जी उठ रहे तकला के क्या कहते हैं। आगे नहीं हाँ जी आप कोई बात सुनाओ मेरे। ट्रिपल एस, जब से माउस प्रिंट में आपका इंट्रो डांस हुआ है हम तो आपकी तब से रेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, हमारे वाला भी हो जाए हमारी जय। अच्छा, तब हमारे नए स्टूडेंट में हमारे तीन खतरनाक सवाल। अच्छा, मैं हर सवाल दे रहा हूं ट्रिपल एस से जी। जब मैं इस साइड से खाना खाती हूं तो ये साइड बुक किया जाती है, जब इस साइड से खाना खाती हूं ये साइड बुक किया जाती है, जब दोनों साइड से खाने की कोशिश करती हूं तो मेरी जो जीभ है उसको उठा के अंदर फेंक देती है, तो मैं दोनों की भूख कैसे मिटाऊं। बेटी आप क्या पहनते हो? जूता है ना, जब आप मुंह में खाना डाल लो उसके बाद जूता लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा इधर गया कि इधर गया, और जीभ को भी नहीं पता चलेगा। अच्छा, हाँ जी, आपका मुश्किल समझ आती है। हाँ बेटी बोलो। आपके इतने सुंदर हेड्स पे कितने बाल हैं? हेड्स पे? हेड्स? हेड्स? हेड्स क्या होता है पहले तो ये नहीं पता चला। हेड इतने तो नहीं है, एक ही हेड है। कबड्डी सही है, हमारा एक ही हेड है, एक ही हेड है। ये हेड्स कहाँ हुए? हेड्स ही हेड्स हैं। पहले तो हम पूछते हैं हेड्स कहाँ? हेड 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 हेड। अच्छा गुड्डी, तो रात को सोती है? हाँ। अंदर के बाहर? अंदर। बाहर कभी सोई है? आज सोना। आंखें खोल के तू तारे बता देना, हम बाढ़ बता देंगे। और हाँ आने दो, अब बस में पूरी भीड़ है। अच्छा, जैसा आपका शरीर है एक काम हो सकता है, वो ऐसे बाजू लिए खड़ा है, दूसरा ऐसे लिए खड़ा है, तो आप टांगों के बीच में से निकल के सांस ले, टांगे तो जोड़ी नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो आजकल एक छिकड़ा सा आता है जिसको कहते हैं कि गंदी गैस को रोक देता है, हैं? आप अपने पापा से पूछ लेना, डॉक्टर है वो, तो उनसे एक छिकड़ा सा लेना, नाक में चढ़ा लिया, मोटे क्या चाहे गेंडे खड़े रहे, चाहे हाथी लीद करता रहे, हैं? चाहे हमारे वाला छोटा पुपू करता रहे, आप तक गैस नहीं आएगी, फिल्टर रोक लेगा, है। अच्छा, दबंग टाइप की है और स्कैंट सिंह सिद्धू थोड़े शरारती हैं, तो आप किस पे गई हैं, पापा पे या भाई पे? वैसे एक बात आपको क्लियर करती हूँ, स्कैंट सिंह सिद्धू थोड़ा नहीं शरारती। कमाल करती है बुड्ढी, अगली फिल्म जो देखेंगे तेरी शरारती। मैं भी कोई कम नहीं, देख लेंगे। आगे ना भाग, असलियत बाहर आ गई। तो तू कहीं किस पे है? मैं थोड़ा सा पापा पे और बहुत सारा भाई पे। तो रीटेक तो उसको वापस छप्पड़ में डालना होता था। अच्छा, एक बार जो छप्पड़ में जब डाल दिया तो डाल दिया जैसे क्यों। और दूसरा ऐसे भी होता थी गुटी, तू बोल गई शायद, जब बंदा गिल्ला हो जाता था सरपंच किस मर्जी की दवा है, हम सरपंच के पास ले जाते थे, उसको कहते ये तेरा डॉगी है, वो अपने आप ही सुखा कर देता था। वो
जिसको भी एक को करते नम 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 करके सुखा पूरा नम नम करके सुखा सारे सुखे कर देता था है बंदा रोड जैसा हो जाता था तब छोड़ता था है फिर चप्पड़ में सही है चलिए कुटिया पे चलो चलो प्राणे के उनसे मिलते हैं आप सुनाओ और सुनो भाई सारे कैसे लगे आपको अपने स्कैंड से यार के जवाब हमारे स्कैंड से यार अटपटे सवालों के चटपटे जवाब ही नहीं देते बहुत सारा ज्ञान भी रखते हैं इतनी नॉलेज अपने हेडमास्टर साहब ट्रिपल एस पापा से पढ़े मैं अभी माइक लेके आता हूँ और एक बड़ी ज्ञान की बात सुनवाते हैं आपको मैं भी आई देखो लल्लू ना हमने सोचा बिल्कुल लल्लू है नहीं कल्लू भी है ज्ञानी बन गया हाँ तो आप हंसे तो बहुत और हंसते हंसते खाया भी बहुत खाया तो फिर आप बता भाई लल्लू और तू सुना क्या क्या सुनना आपने चौधरी है किस पे बात करें अमली को शायद कुछ अड़ा पड़ा है अमली अब तो नहीं अड़ा ना जी हुण ता आगे से फर्क है जी फर्क है हां पत्ता पत्ता पत्थर ओ यू डोंट स्पीक इन सेंटर तेरे को कितनी बार क्या क्या इंग्लिश मारता भाई ये अमली है यू डोंट स्पीक सेंटर मतलब मां दा पुत अंग्रेज पागल हो जाओ कि ये इंग्लिश किसने बोली है बढ़िया बढ़िया अमली तो अमली तू इंग्लिश सीख आप क्या चाहता है आगे क्या चाहता तू देखो मास्टर जी अपने सघैंट सिंह जी तुसी नशा था मेरा छड़ाता जी देखो नशा था छड़ाता हां जी पर अभी अभी छोटा ना सघैंट की जगह मास्टर जी दिखता तुझे वो तो अपने लिखे से पढ़ते हैं कमजोरी आ जाती है ना रग रग में कहीं कहीं तो जी आप ऐसे करो जी मेरा दाखला दिला दो जी ये मेरे को टीचर करते हैं जी रोज सघैंट सिंह गल सुनो जी हां जी तुसी लग जो छड़ना इथे पढ़न जैसे के साथ रहा हिंदी भूल गया पंजाबी बोले तो पढ़ता ना बंदे का फर्क पड़ता है फिर एक इसके साथ खोटा सिक्का माँ का पुत पंजाबी भी चबा के बोलता था चलो ऐसा ये मामले ही कह रहा है कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है प्लस जी आपने यूनिवर्सिटी का मोल तो देख लिया सबको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है एक तो इनको जी गांव का दौरा करवा दे जी घुमा दो गांव में हां हां और एक आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा अच्छा क्यों लेना पड़ेगा कि नहीं आपको भी और दीदी को भी अच्छा दोनों को नहीं जाने देंगे क्या गुड्डी तेरा क्या ख्याल है मेरे को लगता है हम ले ही लेते हैं ऐसी बात है पहले तो आज छोटी गुड्डी जो छोटी बहन होती है उसकी बात टाली नहीं जाती है तो मानना हमें पड़ेगा हम एडमिशन लेंगे पर शर्त एक है प्रिंसिपल साहब हमें लगता है यहाँ शक्ति सिंह सिसोदिया तो नहीं यहाँ प्रिंसिपल का होना पता होगा भूचड़ों को क्या पता होगा ये पतंदर जमा नहीं पता रखते हमें लगता वही होगा हमें लगता है प्रिंसिपल वही होगा देखो जी मैं तो कल हमने सुना था कि यहाँ के जो आपका कोई है वो ट्रांसफर हो गया उसका तो शक्ति सिंह सिसोदिया आ रहा है चलो भाई नहीं काम काम से नहीं जाने देंगे तो इसलिए फिर हम भी एडमिशन ले ही लेते हैं क्योंकि सघैंट सिंह से इनको तरीका सीख लेंगे और शक्ति सिंह सिसोदिया अब वो वास्तव में बड़ा बंदा बन गया भाई हैं सारी यूनिवर्सिटी संभालेगा उसको डीन कहते हैं जो भी कहते हैं जरा यार हैं तो डीन ही कहते हैं वो डीन है डॉन थोड़ी यार कौन करते हैं और बाकी रही बात आप मास्टर जी से पूछेंगे भी यार ये अमली की कब्जी टूट गई अब इसको भी ले लो स्टूडेंट है इंग्लिश भी बड़ी बोलता है सेंटर से ओ तू बीच में मत बोलो जानना पहचान भूआ झोला कित्थे रखा देखो
तो इसको भी एडमिशन करवाई देंगे ठीक है। चल अमलिया तू ऐ करी, एक तो तू पेंट पाली ठीक है, पेंट पहले हमने कहा पेंट पाली जैकेट पकड़ के कहता पेंट असर होता है, ताजी ताजी छोड़ी है ना और ताजी ताजी कब्जी टूटी है, दोनों का असर होता है होता है होता है, कोई गल नहीं तू मान जा कोई गल नहीं, एडमिशन तेरा हो जाएगा ठीक है। तो कल आगे और तू कपड़े कुपड़े ढंग के थोड़े से पान लग जाना ठीक है जी। हैं ऐसे ना हो शक्ति सिसोदिया तेरी रेल बना दे, मैं नहीं जिनको पीछे छोड़ देना। हाँ जी तू इनको पीछे छोड़ दी और पीछे इनको क्या क्या मिलेगा वो तू जानता है, ये जानता आप उसका जिक्र ही नहीं करते हैं। तो माइक हमें किस लिए दिया था, इस काम के लिए क्या पूछना भाई, ये ज्ञान का पठार कह रहे थे सुनना कुछ। अच्छा ये छोटा मांग रहा है, ओ भाई अभी अभी सुनने में आया है, हमने तो न्यूज चैनल पे सुना था, हमें नहीं पता न्यूज चैनल वाले ने, बंदा चंगा है वो चौधरी है, वो भी चौधरी चौधरी ने बात सुनाई, कहना इंग्लैंड में, बच्चा ध्यान से सुनना, इंग्लैंड में जो स्वास्थ्य की जानकारी रखते ना और उस पर लेख लिखते एक डॉक्टर है, उसका नाम है बेड मेरे डेथ, पतंत्रों का नाम भी डेथ वैथी होता है, हमारे इधर कोई कह दे कहना मेरी डेथ को तेरी हो एक मतलब गल है एक नाम है आपा की लेने नाम तो उस बंदे ने वैसे काफ़ी रिजल्ट कटे है, उसने बोला है कि जब आप कोई भी ये ठंडा पी लेते हो, ये जो आप पीते हो काला पीला, हाँ जी ये कहते हैं अगर 300 पता नहीं 350 ml पी लो तो 10 चम्मच चीनी के बराबर एकदम से अंदर जाती है, और इतनी चीनी बंदा सारे दिन की खुराक है ये जो आप एकदम चढ़ा जाते हो, और फिर होता क्या है बॉडी जो होती है ना, वो चौधरी बता रहा था कहना बॉडी जो होती है उल्टी कर देती है, आपको लगता है आपने नहीं की, नहीं करती बाहर नहीं करती अंदर उल्टी हो जाती है, वो तो फास्फोरस या कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको उल्टी नहीं होने देती, इसलिए आप बच जाते हो, उससे पता क्या क्या होता है उससे डायबिटीज के खतरे बढ़ जाते हैं, शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं है? मोटापा बढ़ जाता है जी, हड्डियों का खुरना, दिल की गति का बिगड़ना, अचानक मौत हो जाती है, कदों पटाखा बोल दे ठा चार बंदे भी नहीं मिलते कई बार है, और फिर नींद के रोग, नींद नहीं आती, आती है तो कड़मस बजता रहता है, नींद में पप्पू तारे दिखते हैं, आप डिक्शनरी में ढूंढ लेना पप्पू तारा होता क्या है चलो कैंसर बड़ा पैड़ा होता है, अस्थमा हो जाता है, सांस के रोग होते हैं, गुर्दे के रोग होते हैं, आदमी जल्दी बुढ़ा होता है, यही बस नहीं है, गर्भ में जब बच्चा होता है ना तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा बढ़ जाता है, दांत गलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, दिमागी कमजोरी हो जाती है, और बंदा ना मतलब क्या बताएं आपको, ये जो ठंडा ये जिसे आप बोलते हो अपना नाम काहे को लेना यार, क्योंकि ये कंपनियों वाले ना इनको होता है कि हमारी कंपनी पे ठा मारा, तो आप कहते हैं कि बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, अभी एक बच्चा यहाँ से बता के गया है जो कहता है मैं कम बोलता हूँ, वैसे बोलता सबसे ज़्यादा है आपकी इधर का ही है यूनिवर्सिटी का, हाँ वो उसकी फ्रेंड है, कहता ये ज़्यादा बोलती है, उसकी फ्रेंड को पढ़ा कहता कहता मैं तेरे 2 दांत तोड़ दूँ, वो कहती मैं तेरे 4 तोड़ दूँ, उसके बाद चुप करा बैठा है, क्या पता आजकल कोई पता नहीं चलता, हाँ अगले ने मारा ठोला ठा दंदा हो गए, तो उसने बताया कि भी बच्चों के लिए तो सारी खतरनाक है ये जो ठंडी चीज़ है, तो ये तो था ज्ञान ठंडी चीज़ के बारे में, बाकी ये जो आप खा रहे हो ना हम तो प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे, ये इसने भी देखो पिज्जा, नहीं नहीं ये देखो ये क्या है पिज्जा, पिज्जा पिज्जा, वैसे देखने में ऐसे लगता है कोई कुत्ता था, आपको एक कहानी सुनाते ठीक है, कुत्ता था, कुत्ता चला गया जिमीदार के घर में ठीक है, जिमीदार के घर में गया तो नेचुरली वहाँ काफ़ी सामान होता, सूखी रोटियाँ पड़ी थी वो खा गया, आगे गया, आगे उनके कई दिनों की ना बेसी जो लस्सी होती है सड़ी पड़ी थी जिसे नहाते हैं वो पी गया ठीक है, और फिर आगे जाते जाते थोड़े टमाटर खा लिए, और फिर उसने ना क्या किया थोड़ा सा हरी चीज़ें खा गया बीच में, पता नहीं चला, फिर उसको जोर आया, ओए हर टाइम अमली वाले नहीं, अमली ने तो जोर लगा लिया, वो उधर से नहीं आया मुंह से आया, मुंह से जोर आया, जोर आया,
जोर आया। पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं पता। थाली में निगाह मारो, ये हुआ। आप देख लो, सेम सारा सामान है इसमें। तो मतलब कहना था कि ये जितना भी अड़ंगा है ना, ये जो आप खाते हो, हम गारंटी देते हैं, मास्टर जी ने आयुर्वेदा पढ़ा हुआ है, तो हम भी पास बैठ जाते थे, जब वो पढ़ते थे हम सुनते थे। पढ़ने वाले को उतना ही आता है जितना सुनने वाले को, तो दोनों को आ गया। तो उस आयुर्वेदा में लिखा है, ये तली हुई चीज़ें हैं, घी में तल ली, तेल में तल ली, ये जितनी भी तलते हो ना, घी खुद ख़त्म हो जाता है और घी पतंदर में जो चीज़ डाली होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। ये मुँह के स्वाद के लिए जो आप खाते रहते हो, पहलवान कहाँ से हो जाओगे? हैं, किसी ने जरा सा दबका मार दिया आपके, आप डांस करो ना करो, टांगे डांस करती हैं। हैं हैं, ये देखो पतंदर हमारे पट जितने हैं सिर्फ। अगर वो भी मारे ना, ये थे आएंगे नहीं कहाँगे। तो हमने टनों के हिसाब से घी खाया है, और आजकल के बच्चे टनों के हिसाब से ना ये ठंडा पीते हैं। हैं, इनको अगर जलाब दे दिया जाए ना, इनके अंदर से तले सामान का सामान निकले सारा, सच कहते हैं, रंग बिरंगा निकलेगा। क्योंकि बीच में खाते हैं ये डोसा फोसा, नहीं मतलब है, और खाते हैं ये क्या कहते हैं उसको, चाउमीन है, लंबी लंबी तारें निकलेंगी हैं। तो मतलब इतना खतरनाक चीज़ें खाते हैं ये, और एक और खाते हैं क्या कहते हैं उसको, बर्गर, और एक और खाते हैं ये, हाँ वो आ गया, आ गया, हॉट डॉग। हॉट डॉग पता क्या हुआ? हाँ, गर्म कुत्ता तुप्पे बैठा सी, खा गए पतंदर। नाम रख दिया हॉट डॉग। भाई जो अपने देश की चीज ही नहीं, जब खाओगे तो विदेशी पता है क्या करते हैं, आपको पता है क्या करते? वो सुबह उठते हैं, बाहर जाते हैं, आप भी जाते हो, ठीक है, आपके हाथ में बोतल होती है, उनके हाथ में बोतल नहीं होती, उनके शावर नहीं होता, उनके टिश्यू होते हैं। उसकी वजह ये है, ये सामान जब निकलता है ना, पानी से ठीक ही नहीं आता, टिश्यू से 5-7 बार साफ करना पड़ता है। तो आप टिश्यू भी ले जाया करो सारे, हैं उल्टा लग रहा है ना। तो पतंदरों घी खाओ, हैं घर की चीज़ें खाओ, माँ ने मठियाँ गुलगुले बनाए हो, बंदा खाए, हैं साथ वाले को स्वाद आ जाए। मतलब इतनी चीज़ें होती हैं, सिर्फ मठियाँ गुलगुले, उनमें भी थोड़ा सा तड़ा होता है, पर फिर भी, क्योंकि गुड़ जो होता है वो उतना नहीं गलता सड़ता। बहुत सारी चीज़ें हैं, कच्चा गुड़ खा लो, घी के साथ खा लो, दूध के साथ खा लो, बहुत सारी ताकत की चीज़ें वो खानी चाहिए। तो बचो इनसे अगर बचना है तो। घैंट सिंह जी, छोटा तो मैं छड़ता। अच्छा, ये तो मेरी अख खासे चढ़ती है जी, मैं सुबह ले जाते हैं, अभी भी हाथ में पकड़े बैठे फिक्के हैं जी, फिक्के हैं ये, चंगा करे तू बता, वो फिक्के ही करते हैं। किसी को पता नहीं था, आपने बड़े तो बहुत मेरे से पता लगता है। सरपंच बता रहा था, कल हमने सरपंच से इंटरव्यू लिया है, तो गुड्डी ने पूछा, पता नहीं हमने पूछा भाई सरपंच, नहीं बाहर से किसी ने सवाल पूछा था कि सरपंच जब तू वो कुत्ते का वो मुँह ऐसे करता था कैसा लगता था, कहता घना ही सवाद आवर था आवतरा, इसका मतलब मसाला था। तो ये तो यार अंग्रेजी तो बिल्कुल ही है, कमाल है भाई। अमली चुप हो गया, अमली तो तबीयत बुड़ कर रहा है। पहला बंदा पूछ ले खान तो पहला है। और ये कह रहे थे जी बढ़िया है, बड़ी। अच्छा, इनको क्या बता भी तू, ये मतलब टिश्यू खा जाएगा? नहीं, तो आपने क्या सोच के खाया कि कुछ खाने की चीज? फिर मैं क्या नैपकिन मखे मुंडे ये चखदे सी खान नु, मखे खान वाले फोन गए, ये तो फिक्के निकले जी। फिक्के निकले, फिक्के निकले जी। जे तू ज्यादा नमकीन चाहिए थापड़े वाले तो लेनी पीछे। आपकी ज्यादा सुनते हैं मास्टर जी, क्योंकि कहते हैं ना बेटियां लाडलियां होती हैं, तो आप हेडमास्टर जी से बात कर लेना, अपने दोनों की भी कर लेना, अमली का भी बीच में ताई लगा दे। एक मुद्दा होर है, मैंने आखा केड़े कोर्स एडमिशन लेना है, कहता तुम्हारे वाले कोर्स में एडमिशन लेना है, मैंने कहा हम बीए कर रहे हैं,
कहता जाओ जाओ मैं आठवीं पास हूँ, नौवीं में एडमिशन लूंगा, बताओ बताओ। नहीं उसको ये लगा ना कि बी ए ए भी तो होती है, ये बी ए क्या कर रहे हैं? नाइन्थ क्लास स्टडी कर रखा ही है मैंने, ठीक है नी। हाँ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बी ए नाइन्थ एट्थ मैंने पास की, सेवन्थ मैंने पास की, टॉप किया मैंने स्कूल में। स्कूलों में होती है यार, ये यूनिवर्सिटी है ना। यूनिवर्सिटी है, पहले हमारे साथ कोई नहीं बैठता बेस्ट आएगा। तू चल अब बीच में मत बोल, दे डोंट स्पीक। ये बिल आया इसका 535 रुपए, नैपकिन खा गया सुबह के बैठा यहाँ पे देखना। अच्छा, यू आर दी लार्जेस्ट इन दिस, यू विल गिव ऑल बिल। सबसे बड़ा जी ये देगा पैसे सारे। इसकी तो एक डायरी भी लॉन्च हो, यू लार्ज है तो यू विल पे कर दे। हां तो ठीक है, ये बोल रहा जी खाता चलता है। नैपकिन 535। अच्छा, टैक्स जोर लगाने का 1000 रुपए। असल में क्या होगा ना, ये वो खा गई। हां नैपकिन नहीं 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 पिज्जा वो जो ढका पड़ा है। हां जी बिल तो पे कर दूंगा, वेटर को पूछो टिप लेगा क्या? ये टिप क्या देनी है, ये टुकड़े बचे पड़े वेटर को दे दो। चलो आज की बातें काफी होगी हमें लगता है। मैं एक वैसे राज की बात बताऊं, सब सुनोगे? स्कैंट सिंह सिद्धू गाना भी बहुत अच्छा गाता है। इसकी एक जो हम अंतिम जा रहे हैं तो क्यों ना एक डांस के साथ ना मारी इश्क की पिचकारी, रंगता हर किसी को रंगता, मारी इश्क की पिचकारी रंगता हर किसी को रंगता, रंग के बन गया फिर हर कोई रमदा रमदा रमता। दिख 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 मारी इश्क की पिचकारी रंगता हर किसी को रंगता, मारी होली की पिचकारी रंगता हर किसी को रंगता, रंग के बन गया फिर हर कोई रमदा रमदा रमदा। दिख 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 वन टू थ्री फोर। तो गुडी ये तो हो गया स्टैचू। हाँ। तो आप ऐसे करें तो हम लेते हैं अलविदा। हाँ। इनसे करते हैं बाय बाय और नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एफडीडी की जोड़ी अच्छी लगी जो कि हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में शूट की है, आपको ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको जल्दी। हाँ सही बात है। और ये यूथ को आपने देख लिया कैसी कैसी चीजें खाते हैं, आप भी छोड़ देना, इन्होंने छोड़ दिया तभी तो मुंह ऐसे करे बैठे हैं। तो अब आप करते हैं नमस्कार ये लगा और ये बाय बाय, वो बाय बाय ऐसे करती हम।